के बाद में विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए देर रात को ही ट्रांसफार्मर बदल दिया, लेकिन ऐसी इक्का दुक्का उदाहरण ही देखने को मिलते हैं जिसके अंदर विद्युत विभाग से लोग संतुष्ट हो पाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विद्युत विभाग के अघोषित कट लग रहे हैं जिनकी वजह से आमजन इस गर्मी के अंदर पहले ही गर्मी से परेशान है, ऊपर से जो विद्युत कट लग रहे हैं उनसे लोग खासा परेशानी झेल रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिक मौजूद है, आप बताएं किस तरह की परेशानी हो रही है विद्युत कट से। सर हमारे यहाँ पे काफी टाइम तक लाइट चली जाती है, कट लगते रहते हैं, मतलब हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कट लगता रहता है, जिससे अभी छुट्टियों का सीजन चल रहा है, बच्चों के एग्जाम हुए हैं, सभी के घरों में मेहमान आए हुए होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं और लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और अभी मौसम की वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, ठीक है। तो सरकार का सर ऐसा कुछ भी वो चीज़ निकला नहीं है कि भाई गलियों में मोहल्लों में कोई मतलब वाटर सप्लाई की दिक्कत हो, ठीक है, और सड़कों पे पानी डालना, और जैसे अभी कल रात को हमारे यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ या ब्लास्ट हुआ, कुछ भी कह सकते हैं, इतना लोड था भी नहीं, फिर भी वो ट्रांसमीटर ब्लास्ट हो चुके थे, जबकि शुक्र है भगवान का उसकी चपेट में कोई नहीं आया। पास ही में गोलगप्पे की सब्जी की इशारे लगती है, वहाँ बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है, तो मार नाली जाने वाली का कुछ भी वो नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कल रात को जो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर एक बड़ी बचत रही कि उसकी चपेट में आने से कोई घायल नहीं हुआ। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, आप बताए क्या काम करते हैं आप? दुकान है सर हमारी। विद्युत सप्लाई कैसी है और सर्विस कैसी है? 20-20 मिनट बाद लाइट आती है, 20-20 मिनट जाती है लाइट सर। तो क्या विद्युत विभाग को आप लोग इस बारे में फोन नहीं करते, परेशान नहीं होते, किस तरह की उनकी सुविधा? जो बिजली बोर्ड बिजली में नंबर लिखा होता है बिल वाले में, उसमें 1800 वाले नंबर में घंटी मारते हैं, फोन उठाते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं जल्दी लेट आ रही है, जल्दी लेट आ रही है, जल्दी लेट आ रही है, और कुछ भी नहीं सर। फिर हम उनको घंटी मारते हैं बिजली विभाग के लोकल, तो वो फोन उठाते नहीं है, 3-4 फोन उठाते हैं, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी परेशानी है कि विद्युत विभाग के जो हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर कई बार कॉल करने के बाद नागरिकों का ये दावा है कि जो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वे फोन नहीं उठाते, जिससे लोगों को खासा परेशानी होती है। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताएं किस तरह की परेशानी होती है इस भीषण गर्मी में? देखिए पारा तो लगभग 46-47 डिग्री चल रहा है, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट बता रही है पारा इससे ज्यादा भी है, लेकिन दूसरी बड़ी कोड में खाज का काम ये कर रहे हैं कि लाइट जाने के बाद लोड ज्यादा होने की वजह से प्रशासन या जो विभाग है, संबंधित विभाग है, उसका ये कहना है कि जो लोड होने के ज्यादा होने के कारण ही हो रहा है, लेकिन यहाँ के नागरिकों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है कि वो उनको इन्फॉर्म कर पाए। यहाँ के कर्मचारी कोई फोन उठाते नहीं है, IN या JN तक आम जो यहाँ का नागरिक है उसकी पहुंच नहीं है, और अगर IN JN को फोन मिला भी लें तो उनका एक सीधा सा जवाब है कि आप जोधपुर जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें, तो टोल फ्री कॉल करने के बाद उनकी टाइमिंग है 4 घंटे की, और 4 घंटे तक आप ये बताइए, एक ये पूरा जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अपने खड़े हैं ये पूरा मजदूर वर्ग है, एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करने के बाद, दौड़ धूप करने के बाद, पूरी गर्मी में 47 डिग्री में काम करने के बाद, वो ये चाहता है कि घर पे आकर एक सुकून की नींद ले पाए, लेकिन यहाँ पहुंचते ही जब वो खाने के लिए बैठता है तो सबसे पहले लाइट का कट लगता है। दूसरी परेशानी है कि वो इंसान पूरे 6 घंटे और आप जो 6-8 घंटे की नींद है वो भी नहीं ले पाता, और दूसरा अगर वो किसी को फोन इनके विभाग के संबंधित विभाग के कर्मचारियों को कर भी ले, अच्छा दूसरा ये जो सिस्टम है इनका प्राइवेट शिप जो हुई है अभी जिसमें प्राइवेट लोग जो हैं वो इसको ठीक करेंगे, उनका ये कहना है कि यदि आप जोधपुर फोन करेंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा, आप हमें डायरेक्ट फोन करो, 400 रुपये दो और तुरंत। अब एक 500 रुपये कमाने वाला मजदूर अपनी लाइट ठीक कराने के लिए 400 रुपये कैसे देगा? तो ये तमाम परेशानियां यहाँ आ रही हैं। कल रात को भी यहाँ ये था कि जब इस ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ तो यहाँ जो एक दो आसपास के कर्मचारी हैं उनको फोन करके मुश्किल से बंद कराना पड़ा। आम आदमी अगर कोई है तो वो उसके पास कोई नंबर ही नहीं है, संपर्क का नंबर ही नहीं है कि वो किसको सूचना दे विभाग को, क्योंकि उस जहाँ जो टोल फ्री नंबर दिया है वहां तो सिर्फ केवल फॉल्ट की सूचना दी जा सकती है, इस तरह की सूचना कहाँ दी जाए? तो ये तमाम परेशानियां यहाँ इस तरफ के लोगों को आ रही है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि विद्युत विभाग के जो हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर फॉल्ट की तो सूचना दी जा सकती है, लेकिन कल रात जिस तरह से ट्रांसफार्मर फटकर नीचे गिरा और कोई गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कोई विभागीय जो कर्मचारी है उसने इसकी सुध नहीं ली, लेकिन देर रात होते होते विद्युत विभाग जागा और लाइट की बहाली की गई, लेकिन जो इन्होंने एक आरोप लगाया, बड़ा आरोप, जो फॉल्ट ठीक करने वाली जो टीम है उसके ऊपर भी
भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ के नागरिक लगा रहे हैं, कुछ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं विद्युत विभाग से किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? परेशानी इसलिए है, ये नया क्षेत्र बढ़ता हुआ क्षेत्र है, इसमें पिछले 10 सालों में आबादी 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है, तो विद्युत उपभोग भी उस तरह से बढ़ा है। तो बार बार ये कहते हैं कि लोड के कारण बढ़ रहा है, लोड तो अब बढ़ता क्षेत्र है, आबादी बढ़ेगी तो लोड बढ़ेगा, तो इस लोड बढ़ाने के ऊपर इसके मैनेजमेंट के ऊपर पहले काम क्यों नहीं होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च तक जब विद्युत उपभोग कम होता है उस टाइम इन चीजों को ठीक करना चाहिए, उस टाइम उनको देखना चाहिए कि यहाँ इतनी आबादी है, इसके हिसाब से इतना ज्यादा लोड की आवश्यकता रहेगी। या तो ट्रांसफार्मर पुराने चले जा रहे हैं, अब बदल रहे हैं उन ट्रांसफार्मर को, वही ट्रांसफार्मर सेम लोड के दोबारा लगा रहे हैं, और जबकि आबादी उससे उपभोग 4 से 5 गुना बढ़ चुका है। निश्चित रूप से जैसे आबादी बढ़ेगी विद्युत की ज्यादा उपभोग होगा। पहले यहाँ पे जो थे घर थे नहीं, अब दूर तक पीछे तक खाड़े तक जो घर नए बन चुके हैं, तो उससे अवसर उनको विद्युत की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। उसके मैनेजमेंट पे काम किया नहीं जा रहा है, एक ही बात कहते हैं जी लोड बढ़ रहा है उसके कारण लाइट कट रही है, तो लोड मैनेजमेंट कौन करेगा उसको? ट्रांसफार्मर नए लगाने हैं या अधिक क्षमता के लगाने हैं? इस तरफ कोई काम नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर ठीक है ये है, उससे पहले पिछले हफ्ते उदरा वाले चौक पे एक ट्रांसफार्मर जला था, ट्रांसफार्मर जलता है, ट्रांसफार्मर सेम पावर का दोबारा लाके लगा देते हैं। तो इनके ऊपर लोड बढ़ाने की तरफ काम करना चाहिए और बड़े ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए, और ये काम होने पहले चाहिए थे, फरवरी मार्च में पहले होना चाहिए, उस टाइम विभाग सोया रहा। अब लोगों में परेशानी आती है तो अब आते हैं, कई बार फोन उठाते भी नहीं है, और आग भी तो समाधान किया तो कि वही ट्रांसफार्मर फिर लगा दिया, पर लोड उतना ही रहेगा, ये ट्रांसफार्मर फिर उसी पावर का ये फिर जल जाएगा, तो लोड मैनेजमेंट के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। निश्चित तौर पर विद्युत विभाग का जो अघोषित कट है उसको लेकर जो स्थानीय नागरिक है उनके अंदर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये लोग विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से लोड मैनेजमेंट का या लोड अधिक होने का कहकर ये लोग जो कट लगाते हैं, फॉल्ट होती है लाइन, उसको लेकर लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि लोड मैनेजमेंट आखिर करेगा कौन? कब तक ये अघोषित जो कट है उसको लेकर ये जो आम लोग है, मजदूर वर्ग है, ये रात को अगर चैन से सो ही नहीं पाएगा तो दिन में काम कैसे करेगा? इसके साथ साथ इन्होंने एक बड़ी बात जो निकल कर आई, उनका कहना है कि ये लोग लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके बावजूद अगर इन्हें सुचारू बिजली नहीं मिल पाती अगर इस भीषण गर्मी के अंदर, तो इनको काफी परेशानी होती है। यहाँ पे कुछ और भी स्थानीय नागरिक मौजूद है, आप बताएं किस तरह की परेशानी होती है बिजली विभाग से, बिजली के घोषित कटों से? सर यहाँ पे बिजली विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, अघोषित कट लगते हैं, रात को सो ही नहीं पाते, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, लोगों के टीवी फ्रिज और कम वोल्टेज हाई वोल्टेज के कारण वो भी जल जाते हैं। यहाँ सभी मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और यहाँ आबादी क्षेत्र बहुत इतना बढ़ चुका है कि लोड ये ट्रांसफार्मर सहन नहीं कर पाते। यहाँ पे इनको ट्रांसफार्मर डिवाइड करने चाहिए ताकि घड़ी में लोड कम हो। धन्यवाद। एक बात बताओ, जितने यहाँ कट लग रहे हैं, कट लगने के बाद में आप लोग विद्युत विभाग को फोन करते हैं तो उनकी सर्विस कैसी है, वो आके तुरंत ठीक करते हैं, किस तरह की स्थिति है? सर विद्युत विभाग तो यहाँ सोया हुआ है, विद्युत विभाग यहाँ सोया हुआ है। लापरवाही इतनी है कि जो कर्मचारियों को फोन दिए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो नंबर किसी के पास नहीं है, और जो जिसके पास है वो विद्युत विभाग के कर्मचारी तक ही नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात जो निकल कर सामने आती है, लगभग हर जगह यही स्थिति है कि विद्युत विभाग जब उन्हें फॉल्ट या घोषित कट या किसी समस्या के संदर्भ में फोन किया जाता है तो वे लोग फोन ही नहीं उठाते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो टोल फ्री जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने जो जारी कर रखा है उसकी कॉल जोधपुर टोल फ्री नंबर पर जाती है, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय जो विभाग है, उसको अलग अलग माध्यमों के द्वारा सूचना कई बार देने के बावजूद उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ पाता, जिसको लेकर भी स्थानीय जो नागरिक है वो आक्रोशित है। कुछ और भी साथी मौजूद है, आप बताइए किस तरह की परेशानी होती है विद्युत, कितने कट लगते हैं, क्या परेशानी होती है बिजली डिपार्टमेंट से? वर्तमान में गर्मी को बढ़ते हुए बिजली विभाग की तरफ से बहुत ज्यादा कट लग रहे हैं, मतलब कटों की कोई सीमा ही नहीं है, हर आधे घंटे में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, कभी घंटे के बाद, फिर बार बार में बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, और हम बिजली आपूर्ति सप्लाई जो है बिजली की सही रूप सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। अगर हम कोई आम जनता उनको फोन भी करती है तो फोनों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो बोलते हैं कि हम प्रोसेसिंग में डाल देते हैं, हमारे वर्क को बोलते हैं करते हैं, और अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं या फिर कहीं ब्लास्ट हो जाते हैं ट्रांसफार्मर्स में, तो 4 से 5 घंटे का समय लगते हैं, कभी कभी 6 घंटे लग जाती है उनको दोबारा सही रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए। दिन में बिजली कटों से आपको कितनी परेशानी है? दिन में हमको बिजली कटों से परेशानी ये है कि जैसे हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर इतनी गर्मी में कॉल रूम कम मतलब आते हैं घरों पर, तो फिर हमें क्या लाइट की जब कटौती मिलती है तो सही ढंग से हमें आराम नहीं मिल पाता, इतनी गर्मी में रूम मतलब घरों पर टिका नहीं जाता।
इतनी जो गर्मी पड़ती है तो कूलर पंखे खरीदारों से चलते नहीं है। निश्चित तौर पर ये समस्या न सिर्फ आम लोगों की है बल्कि इससे सभी वर्ग जो है, चाहे छात्र हो, चाहे काम पेशा हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, नौकरी पेशा हो, सब लोग इस बात को लेकर परेशान है कि जो दिन के अंदर वे मेहनत करते हैं पूरी भीषण गर्मी के अंदर, गर्मी वैसे ही पूरी एनर्जी निचोड़ लेती है, उसके बाद में जब राहत या आराम करने के लिए घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले विद्युत कट से उनका सामना करना पड़ता है। वही विद्युत विभाग को इसकी सूचना देने पर या उसके लाइन को ठीक करवाने के लिए सूचना दी जाती है, विद्युत विभाग उनकी कॉल को नो रिस्पांस देता है, कोई रिस्पांस नहीं देता, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। इनका कहना है कि जल्दी अगर इन्होंने, विद्युत विभाग ने अगर अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया तो स्थानीय नागरिक कोई बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।